हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपको स्वागत करता हूं चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो ये जो वीडियो आ रही है काफ़ी लेट, क्योंकि मैं जो है अभी यूनिवर्सिटी ब्रेक में आया हूं अपने घर, और ये है मेरे कुछ घर का सेटअप जो आप अभी देख सकते हैं मेरे चारों तरफ। और आपको पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइए और बताइए कॉमेंट में कि कैसा लगा आपको। और यहाँ जो आपकी वीडियो की टाइटल है उससे समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो है किस बारे में। तो वीवो ने हाँ लॉन्च कर दिया है इंडिया में अपना X21 फ़ोन, और ये जो फ़ोन है इसकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी फीचर जो कि बता रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर आता है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। हाँ भाई, इन लोग ने घुसा दिया फिंगर प्रिंट स्कैनर अपने स्क्रीन के अंदर, यानी कि अब आप स्क्रीन को टिप के ही अपने फिंगरप्रिंट को इस्तेमाल ले सकते हैं। तो जब मेरे हाथ में फ़ोन आया तो जरूर मैं भी उस स्क्रीन को टिपना जरूर चाहूँगा, अपने फिंगरप्रिंट को एनरोल जरूर करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको देता हूँ उसके कुछ ओवरव्यू कि फ़ोन कैसा है, क्या है उसके की स्पेक्स। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर डिस्प्ले की, तो जो डिस्प्ले है वो है 6.28 इंचेस का, यानी कि आप कितने भी फैमिली मेंबर्स को हटा लीजिए एक फोटो में और सारे के सारे आपको स्क्रीन पर अपने देखने मिल जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर जो है ये टच स्क्रीन है, ऑब्वियसली हर फोन आजकल टच स्क्रीन ही आता है। जो रेजोल्यूशन है वो है 1080x2280 पिक्सल्स, यानी कि आपको फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिलेगी, सारे फोन में मिलती है उतनी कोई बड़ी बात है नहीं। पर यहां पे प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर ये जो है ये आता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर। कुछ बढ़िया काम किया है यहाँ पे वीवो ने कि जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 660 दे दिया है, यानी कि हायर मिड रेंज वाला प्रोसेसर है। और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, यानी कि इसमें है 8 कोर्स। अब 8 कोर जो है वो 8 अलग अलग काम करेंगे, तो उसमें क्या है आप पूरे मज़े से जो मर्जी जो भी आप फ़ोन में करते हैं सब मज़े ले ही सकते हैं। जो 6 GB की रैम इसमें दी है वो भी बहुत बढ़िया बात है, सारे गेम आपके एकदम मक्खन चलने वाले हैं, जैसा है जितने भारी आपको गेम चलाने चला सकते हैं। जिसमें इंटरनल स्टोरेज है वो 128 GB की, 128 GB का मतलब ये है कि आप जितनी मर्जी वो मूवीज पायरेट करके देख लीजिए, जितनी मर्जी गेम आपको डाउनलोड करने हैं, वैसे पता है इतने महंगे गेम्स तो खरीदते हैं नहीं ऐप स्टोर से, आप फ्री वाले गेम है जितने मर्जी ठूस लो आप अपने फ़ोन में, या फिर आपको पायरेट करके गूगल से डाउनलोड करना है, हालांकि वो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, पर अब आप कर सकते हैं। 128 GB की स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है। रियर कैमरा जो है वो है 12 MP का, यहाँ पे नंबर्स में उतना फोकस नहीं किया है वीवो ने, 12 MP सुनने में कम लगता है क्योंकि इसके प्राइस रेंज में जो दूसरे फ़ोन है आपको 16-20 ऐसे मेगापिक्सल का कैमरा देते हैं, पर 12 MP यहाँ पे नंबर में तो कम है क्या हुआ, पर क्योंकि वीवो का हमेशा जो फोकस है वो रहा है कैमरा कैमरा कैमरा, तो भाई कैमरा तो फिर उनका अच्छा है ही। LED नोटिफिकेशन लाइट भी है इसमें, और उसके साथ आपको आता है 12 MP का फ्रंट कैमरा भी, तो आगे पीछे दोनों में आप कहीं से भी अपने खानदान की फोटो खींच सकते हैं, एक जैसे ही दिखेंगे। हाँ, और जिसमें एंड्रॉयड है वो आता है एंड्रॉयड का 8.1 ओरियो, तो आप बस ओरियो का मजा लीजिए, बहुत ही कम लोग में से आप एक होंगे अगर आप ओरियो फोन यूज़ कर रहे हैं। हालांकि नया फोन अगर आप लेंगे तो ओरियो तो आपको मिल ही रहा है। उसके अलावा जिस पे ओरियो पे आपका स्किन आपको मिल जाएगा वो है फन टच OS, पता नहीं क्यों ऐसा नाम है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कनेक्टिविटी की, तो आपको वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, वाईफाई के स्टैंडर्ड्स आपको सारे बढ़िया वाले मिल जाते हैं। ब्लूटूथ जो है यहाँ पे आपको वर्जन 5.0 मिलेगा, GPS मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 मिलेगा। 5.0 ब्लूटूथ का ये खासियत था कि आप एक से ज़्यादा डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, आप पता नहीं क्यों एक से ज़्यादा डिवाइस में कनेक्ट करना चाहेंगे, पर अगर करना चाहते हैं तो भाई आप कर सकते हैं इस फोन के साथ। NFC इसमें आपको नहीं मिलती है, इंफ्रारेड सेंसर आपको नहीं मिलता है, पर USB OTG का सपोर्ट आपको ज़रूर इसमें मिल जाएगा, तो आप एक साइड से वो फ़ोन में एक पेनड्राइव घुसा के उससे मूवी निकाल के और फिर आप लैपटॉप में डाल सकते हैं, ये आप ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि इसमें OTG का सपोर्ट है। इसमें हेडफोन जैक का भी जगह लोग ने खोज लिया है, 3.5 हेडफोन जैक भी आपको दे देती है वीवो कंपनी, बढ़िया बात है, बहुत रेयर रह गया आज के लिए हेडफोन जैक। FM नहीं है इसके अंदर, जो सिम कार्ड है उसमें 2 डल जाएंगे। उसके अलावा जो आपका है सिम 1 वो है नैनो सिम, GSM सिम है, 3G सपोर्ट करता है, 4G LTE सपोर्ट करता है। जो दूसरा सिम है वो भी नैनो सिम GSM है, और ये भी 3G और VoLTE सपोर्ट करता है। जो यहाँ पे सेंसर्स है आपको सारे सेंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, कॉम्पास, मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, सारे आपको मिल जाते हैं। भगवान जाने आप इनमें से कितना यूज एक्चुअली करने वाले हैं, पर मिल तो आपको सारे जाएंगे, तो आपका इसमें कोई भी कंप्लेन वगैरह तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सेंसर्स में यहाँ पे कोई भी चिंदगिरी नहीं की है कंपनी ने। तो जो है वीवो, आपको अगर आपने अभी तक देखा नहीं यहाँ पे पीछे वीवो लिखा है, पर जो भी वीवो जो कंपनी X21 अपना बहुत ही अच्छा फोन ले गया है इंडिया में, काफी टाइम बाद वीवो ने बहुत ही एक अच्छा फोन लेके आया जो कि मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ वीवो X21 के प्राइसिंग की, तो ये जो प्राइस है ये है 35,990 रुपए का। ये वन प्लस के फोन से थोड़ा महंगा है, वन प्लस 6 वाले से अगर आप वन प्लस 6 लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, पर इसकी जो सबसे अच्छी खासियत ये फोन की ये है कि इसमें आएगा आपको स्क्रीन के अंदर का फिंगरप्रिंट स्कैनर। स्क्रीन के अंदर घुसा दिया है फिंगरप्रिंट को, तो अब आप स्क्रीन पे ही उंगली रखेंगे
और फिंगरप्रिंट आपका स्कैन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है, इंडिया में ये पहला फ़ोन होगा जिसमें इनबिल्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि वीवो ने कुछ ऐसा नया किया है, कुछ एकदम अलग जाके दूसरी कंपनी से। काफ़ी अच्छी बात है, इंडिया में पहला, वर्ल्ड का पहला, सब वीवो ही कर लिया है इन स्क्रीन वाला। एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स को ये सब चीज़ का मौका दिया ही नहीं। अच्छी बात है कि ऐसे ऐसे ब्रांड्स भी ये सब जो है अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल रहे हैं, ये देख के बहुत ही मज़ा आता है। और देखते हैं कि ये जो फ़ोन है कैसा रहता है मार्केट में। हालांकि मैं इसको डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा खरीदने के लिए, कि आपको ये फ़ोन ज़रूर जाके लेना चाहिए। पर अगर आप मेरे ओपिनियन पूछे कि वन प्लस सिक्स लेना चाहिए कि वीवो का ये X21 लेना चाहिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको चाहिए इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट वाला स्कैनर, तब तो भाई आपको ये वाला लेना ही पड़ेगा, वीवो का X21, क्योंकि उसके अलावा और कोई आपको मिलता नहीं है। फ्लॉलेस है काफ़ी ज़्यादा इसका जो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया काम करता है। जो वन प्लस सिक्स है उसमें आपको डेफिनेटली ये तो नहीं मिलेगा, पर पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है। मेरी पर्सनल ओपिनियन यही रहेगी कि अगर मुझे इन दोनों फ़ोनों से चूज़ करना होता कौन सा लेना है, तो मैं डेफिनेटली लेता वन प्लस का सिक्स। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वन प्लस सिक्स में जो है स्नैपड्रैगन 845 है, और 660 से कंपैरिजन में 845 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 845 इज़ ग्रेटर दैन 660, और थोड़ा मैथ्स अपना लगा लीजिए, 845 बस 845 प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, उसके लिए आप ले सकते हैं। नहीं तो 8 GB रैम भी मिलती है उसके अंदर, हालांकि मैं तो 8 GB वाला वेरिएंट लूँगा नहीं, क्योंकि इससे टक्कर तो 6 GB रैम वाला ही है। तो 6 GB रैम वाला वन प्लस सिक्स जिसमें आपको मिल जाएगा 64 GB का स्टोरेज, क्योंकि इतना मैं गेम और मूवी डाउनलोड करता नहीं हूँ, और अगर कर भी लेता हूँ तो उसको फिर लैपटॉप में स्टोर कर लेता हूँ। लैपटॉप है मेरा 1 TB वाला, तो उसके अंदर मैं सब कुछ डाल लेता हूँ। तो इसीलिए पता नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही रहेगा वन प्लस सिक्स का, हालांकि ये कोई कंपैरिजन वीडियो तो है नहीं। तो वीवो X21 अगर आपको पसंद आया तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं भी पसंद आया तो, अगर ये वीडियो पसंद आया तो भी आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं अब से आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। और सॉरी बीच में डिले के लिए, पर अब से जो है वीडियो आपको कंसिस्टेंटली देखने के लिए मिल जाएगी, और आपका जो वीकली राउंडअप है वो भी शूट हो चुका है, बस मैं आपको डाल दूंगा और ही कुछ दिनों में। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली वीडियो में।